अभी इनके पास एंड्रॉइड भी रखे हैं। एंड्रॉइड कितने वाले है? ये 3000 का वीवो, वीवो का गाइस 3000 में चालू है। वर्किंग कंडीशन है गाइस, ओ माय गॉड, नागपुर चौराहे पे वर्किंग कंडीशन। ये देख लो गाइस, एमआई का फोन है, अलग ही नाम है, भैया का काम है। देखो गाइस, एक से एक वीवो, 300-300 वाला फोन भाई दूसरी दुकान पे भी रखा है। मतलब बेसिकली ये एक मोबाइल की लाइन है। और गाइस देखो, सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट जैसे टंकी वंकी पल्सर की रखी हुई है, KTM के। दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये सारे ब्रांडेड शर्ट है गाइस, जियोन का शर्ट है ये। कितने का ये? 200 रुपये का जियोन। 100 रुपये वो। तो गाइस ये 200 की है, देख लो। सबसे मजे की बात ये बैगी पैंट है गाइस, देखो जस्ट लुक एट दिस बैगी। तो हेलो दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड नरेंद्र पिल्ले एंड बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सलाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नए शहर में। शहर वैसे नया नहीं है गाइस, पुराना ही है, नागपुर हमारा। और आज मैं लेके आया हूँ आपको अपने नागपुर चोर बाजार में। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ समीर के साथ, समीर भाई इसको तो जानते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ है इसी के साथ वाली वीडियो पर, बहुत लक्की है मेरे लिए। तो गाइस अभी चालू करते हैं अपन इसका फुल वीडियो चोर बाजार का, और आपको पूरी वीडियो पूरा दिखाता होगा इस क्या है यहाँ पे, कैसे है फ़ोन, कहाँ मिलते हैं, क्या क्या है इस चोर बाजार में, उसकी सच्चाई क्या है, सब दिखाता हूँ आपको, बन रहना वीडियो के साथ। चलते चलते अभी ताड़पत्रियों का सीज़न आ रहा है, ताड़पत्रियों का रेनी सीज़न आ रहा है, तो अक्सर लोग अपने छत के ऊपर ये देखो ये जो फ्लैक्सेस होते हैं ना, इन फ्लैक्स को अपने ऊपर डालते हैं। ये भाई साहब का धंधा है, देख लो भाई साहब को, ठीक है। तो इनका धंधा है, ये नागपुर चोर बाजार के स्टार्टिंग पॉइंट पर है, नागपुर चोर बाजार के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो किस तरीके से ये सेल करते हैं, पहले इनसे पूछते हैं भाई क्या रेट में देते हैं अपन, मतलब ताड़पत्री क्या जैसे साइज के हिसाब से आता है। अच्छा अच्छा, कवर बाइनर क्या रुपये स्क्वायर फीट से बेचते हैं? स्क्वायर फीट से लेंगे तो आपको ऐसे 3 रुपये स्क्वायर फीट से आएगा। अच्छा, 3 रुपये स्क्वायर फीट से आएगा, काय का घर पे बिछाने वाला, घर पे बिछाने वाला मतलब फ्लैक्स, मोटा फ्लैक्स। और गाड़ी पे, गाड़ी पे बेचने वाला क्या स्टार्ट, 150 रुपये का 100 से स्टार्ट होता है, और 150-200-300 से जाता है। चलिए गाइस देखिए, अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है नागपुर में, बिल्कुल नागपुर में अगर आप हो तो आप आके इधर पे ताड़पत्रियाँ वगैरह देख सकते हैं आपके घर पे लगाने के लिए। और ये देखो भाई, शूज़ भी है यहाँ पे एक से एक, देखो फॉर्मल वॉर्मल शूज़ भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बोनी हो रही है यहाँ से, ओह माय गॉड, ये कौन सा शूज़ है यार, ये तो अपर शूज़ दिख रहा है कोई। ये देखो गाइस अपर शूज़ है, ये कितने का, ये 300 रुपये का है। ये न्यू है कि सेकेंड हैंड है? सेकेंड हैंड है। अच्छा 300 का सेकेंड हैंड। अच्छा, और ये कौन कंपनी का लग रहा है, ये तो कोई तेरे को गाइस कोई कंपनी का है, ये सेकेंड हैंड है, लेकिन इसको क्लीन करके पहनना है तो आप पहन सकते हो, काफ़ी कूल है अभी। और ये देखो गाइस, एयर के भी जूते यहाँ पे पड़े हैं, और देखो ये वाले जूते भी पड़े हैं, ठीक है। काफ़ी सारे शू यहाँ पे है, ये चाचा की दुकान है भाई साहब की। तो ये कितने रुपए में स्टार्टिंग है इसका? 100 रुपये से स्टार्ट है, नए सेकेंड हैंड मिक्स है। और सब ओरिजिनल कंपनी के है क्या? सब ओरिजिनल कंपनी गाइस, ओजी कंपनी के है, लेकिन ये सेकेंड हैंड है। तो आपको अगर देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हूँ, यहाँ से देख सकते हो। और चाचा ठीक है गाइस, तो धीरे धीरे चलते हुए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ गाइस, कि चोर बाजार में क्या क्या यहाँ पे है और क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस एक और दुकान है ताड़पत्री की, वहाँ पे भी आ गए। 3 बार हमने ट्राई किया इनका शूट करने का, लेकिन आज तक कभी पॉसिबल हो नहीं पाया, तो आज फाइनली करते हैं इनका शूट। ये भाई साहब की दुकान है, भैया अपन उनसे तो पूछ लिया मैंने, आप क्या रेट पर देखे हुए क्या रेट उनका, कितना बोले थे? 3 रुपये, 7 रुपये स्क्वायर से था, स्क्वायर फीट का रेट था, 7 रुपये 3 रुपये कुछ बोले थे याद नहीं है, आप बता दो ना। 2.5 रुपये से देखो, 2.5 रुपये स्क्वायर फुट से जो भी लगेगा वो सब 2.5 रुपये स्क्वायर फीट से, क्या घर पे बिछाने की ताड़पत्री। तो गाइस अभी सीज़न आ रहा है, तो अगर आप लोगों को भी अपने घर के ऊपर डालना है कवर करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि घर पे ही डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डालते हैं लोग, तो आना है तो आप देख सकते हो गाइस, ऐसा कुछ सिस्टम है, रीजनेबल है, 2.5 रुपये स्क्वायर फीट से है गाइस, कुछ भी उठा लो। और बाइक गाड़ियों का भी मिलता होगा आपके पास, मैंने लास्ट टाइम ले गया था अंकल के वाला वो भी 250। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख लो अभी ये सीज़न सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, अभी और आगे चलते हैं और पता करता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलने को सकता है आपको, ठीक है। तो अभी पूरा और भी देखना पड़ेगा गाइस अंदर जाके, तो बन रहना गाइस वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी वीडियो, ठीक है, क्योंकि नागपुर का चोर बाजार। गाइस गाड़ियों का जो स्पेयर पार्ट है वो भी यहाँ पे मिलते हैं, तो क्या है बाबू क्या है ये, समीर भाई क्या है ये? एक्टिवा का मुंडा है, एक्टिवा का मुंडा 250 250 रुपये का। और क्या क्या मिलता है समीर भाई, ये क्या है देखो उठाओ, ये समीर भाई दिखाओ, तो देखो गाइस समीर भाई दिखा रहे अपने, कोई बात नहीं समीर भाई, कितने का है ये भाई?
ये काय का मुंडा है? पल्सर का। ये पल्सर 150 का। और भाई ये कितने मिलेगा आपने? 2200 का, 220 का। तो भाई देखो ऐसा आपको यहाँ पे चोर बाजार सरिचर बाजार जो बोलते हैं उसमें ऐसा बाइक के स्पेयर पार्ट भी आपको मिल जाएंगे कम में बम। तो चलिए और आगे चलते हैं धीरे धीरे, तब दिखाता हूँ आपको। मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, गर्मी बहुत है गाइस, लेकिन अभी जून के महीने में। नया यात्री व्लॉग यात्री नागपुर चोर बाजार डालना, मैं आ जाऊँगा। तो गाइस नागपुर चोर बाजार आप लोग भी टाइप कीजिए अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको कहीं ना कहीं स्क्रॉल करेंगे नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो गाइस फिर से आ गए हम लोग मोबाइल का शूट करने के लिए हमारा दोस्त के पास, तो उसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते हम कुछ कारणों की वजह से। बट ये देखो गाइस 200-300 में कीपैड वाले फोन इनके पास अक्सर पड़े होते हैं। हमारे दोस्त की दुकान है बट दोस्त का चेहरा नहीं दिखा सकते हम। कहाँ यार भैया, ये देखो। तो गाइस इतने बढ़िया बढ़िया इनके पास 300 रुपये वाले फ़ोन है। भैया बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा आपको चेहरा दिखाया है। कमेंट करो गाइस जिन्होंने इनका चेहरा देखा है ये दुकान का, और बताओ मेरे को कमेंट में, ठीक है। देखो गाइस अभी इनके पास एंड्रॉयड भी रखी है। एंड्रॉयड कितने वाले? ये 3000 का वीवो का गाइस 3000 में चालू है। वर्किंग कंडीशन है गाइस, ओ माय गॉड, नागपुर चोर बाजार में वर्किंग कंडीशन। ये देख लो गाइस MI का फोन है, अलग ही नाम है, भैया का काम है। देखो गाइस एक से एक वीवो का भी फ़ोन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको लेना है सेकेंड हैंड फ़ोन है आप ले सकते हो, जो भी इनसे बात करके कम ज़्यादा, ठीक है। ये देख लो गाइस ऐसा कुछ सिस्टम है। भैया का चेहरा दिखाना अलाउड नहीं, भैया बोलते मैंने चेहरा दिखा दिया। कहाँ दिखाया मैंने? 300-300 वाला फ़ोन भाई दूसरी दुकान पे भी रखा है। मतलब बेसिकली ये एक मोबाइल की लाइन है गाइस, अगर आप आओगे तो यहीं पे आपको सेकेंड हैंड मोबाइल देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको देखना है रीजनेबल भाव में। और इसका नाम चोर बाजार है, इसका मतलब ये चोरी के फ़ोन नहीं है गाइस, सेकेंड हैंड फ़ोन है, बरोबर। ये देख लो गाइस ये भी 300-200। ये देखो गाइस नोकिया का, ये देखो लेजेंडरी फ़ोन, एक ज़माने में लोग लेने के लिए तरसते थे, आज कचरे के ऐसे पड़ा है। तो चलते आगे की तरफ और देखते हैं क्या है ना, गर्मी बहुत है गाइस, तो कुछ ना कुछ पीना भी पड़ेगा, देखते देखते। हाँ भैया, तो वही चलते चलते गाइस हम लोग अपनी दुकान पे आ गए। बहुत ही बढ़िया दुकान है ये, एक अपने चाचा की दुकान है ये, देखिए कितना। तो गाइस देख लो अभी मैं देखने आया था, अभी ये देखो इनके पास टूल्स वूल्स भी रखे हुए हैं। ये देखो नागपुर चोर बाजार में टूल्स वूल्स भी है, ठीक है। देखो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, तो टूल्स वूल्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जो भी टूल्स चाहिए। देखो देखो कितने सारे टूल्स रखे हैं गाइस नागपुर चोर बाजार में। और देखो गाड़ियों के सीट भी रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो टंकी पे लगाते हैं कुछ पाउच गाड़ियों में, वो भी लगा हुआ है गाइस। सारे तरीके के टूल्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखो ये देखो गाइस हर एक तरीके के, देखो पाना पेंचिस ये वो सब मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। थोड़ी धूप जा चुकी है तो आपका भाई थोड़ा काला दिख सकता है, वैसे काला ही हूँ मैं। देखो गाइस बर्तन भी मिल रहे हैं होलसेल के भाव में। वैसे ये डब्बे का हम एक प्राइस पूछेंगे, 8x4 का डब्बा। भैया ये डब्बा कितने का है? 250 रुपये का। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा ना? ये देखो गाइस ये कम ज़्यादा हो जाएगा इसको लेने में। ये देखो 250 रुपये का। देखो घर में यूज़ करने के लिए आपका पूरा सेट, ये पूरा सेट कितने का आएगा? ये 80 रुपये के छः है। 80 रुपये के छः वाले, और ये वाले 40 रुपये। ये 40 रुपये के, वो भी पूरे घर के पूरे सामान। देखो गाइस होलसेल भाव में अवेलेबल है, और इनको 150 रुपये में चाहिए। आप भी ऐसे भाव करना आने के बाद। बाहर है क्या? हाँ बाहर है क्या? कौन है? नहीं इंटरनेट पे डालूंगा मैं। तो ये देखो गाइस कितना अच्छा अच्छा सामान है। ये गाइस ड्राई फ्रूट रखने के लिए कितना प्यारा इनके पास बॉक्स है। वाह व्हाट अ पीस। कितने का है ये? 80 रुपये। देखो गाइस दुकानदार थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, लेकिन बॉलिंग सही डाल रहे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है गाइस, ड्राई फ्रूट का डब्बा। देखो कितना काम किया हुआ है, कितना वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ देखिए ये भी 80 रुपये का। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्री में कुछ नहीं होता, सब पैसे मिलते हैं मेरे को भी। ये कितने का है समीर भाई? ये 80 रुपये का है। गरम गरम चाय बनाओ और पियो। हाँ समीर भाई के घर के लेंगे अपन। और क्या क्या समीर भाई, ये बेचने के लिए क्या गैलन? यहाँ इसमें पानी भरो, गर्मी में रखो। वाटर गैलन कितने का है भाई?
150 रुपये का। तो गाइस जो भी मैंने अभी तक देखा हो आपको सारी चीज़ें रिजनेबल भाव में यहाँ मिल सकती है। शनिवार का दिन यहाँ पे निकाल के आइए और जो भी आपको खरीदी करना है यहाँ पे खरीद सकते हैं। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट कम है, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, तो किसी यहाँ के पुराने लोगों से पूछते हैं, भैया थोड़ा मार्केट कम लग रहा है, क्या बात है उसकी? वो अतिक्रमण की वजह से मार्केट थोड़ा कम लग रहा है, नहीं तो ये पूरा जगह जो भरा रहता है आज खाली लग रहा है, तो आज अतिक्रमण की वजह से ये बंद है। और ये जो KGF भाई ने रॉकी भाई ने यूज़ करे थे, ये हथौड़ा है गाइस नागपुर चोर बाजार का। तो गाइस जैसा कि नागपुर महानगर पालिका जो अभी है अतिक्रमण कर रही है, तो जिनकी पक्की दुकान है फुटपाथ के ऊपर वो लोग है, और जो बाकी ऐसे रोड पे लगाते थे गाइस, बहुत सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ थी, जैसे कुछ लोग शॉप लगाते थे कपड़े की बड़ी बड़ी, तो वो यहाँ पे अब इस वक्त नहीं है। पिछले शनिवार को भी मैं वीडियो बनाने आया था तब यहाँ पे थे, और इस शनिवार को नहीं है गाइस, तो मेरा बैड लक हो सकता है या मेरी ऑडियंस का, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि 99% अच्छी अच्छी चीज़ें खींच के निकालूँ और आपको दिखाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ गाइस। ठीक है, हम यहाँ पे फ़ोन भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे फ़ोन भी देख सकते हैं और फ़ोन की गली वली में, फिर भी काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हुआ है गाइस। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑलवेज, लेकिन उतना नहीं लगा है जितना हमें अक्सर मिलता है। ठीक है, लास्ट शनिवार को बहुत सारा लगा हुआ था, बट सिर्फ इस जो आदमी आप इस आदमी को आप फ्रेम में देख रहे हैं ना, इस आदमी की वजह से वो मैं शूट नहीं कर पाया था गाइस, क्योंकि मेरे GoPro की बैटरी ये खा गया था इसके लिए। अब हंस रहा है ये आदमी, समझ रहे हो? तो आप इस आदमी को गाली देने के लिए कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं, कमेंट भर भर के गाली बक। ठीक है, इसका नाम समीर है। तो हमारे लेडीज जानकार के लिए यहाँ पर दुपट्टे भी अवेलेबल है गाइस, ये देखो 100 रुपये के 2 पीस, नागपुर की गर्मी से बचने के लिए दुपट्टे भी है कॉटन के सेमिकॉन के, ये देखिए गाइस सेल है 50 रुपये वाले है ये। ठीक है, और इस तरफ ये 150 रुपये लगे हैं, ये देखो दुपट्टे। चलो गाइस अभी और भी दिखाता हूँ मार्केट, बहुत मेहनत करना है, बहुत बढ़िया बहुत मेहनत करना है अभी अभी देखते हैं गाइस उस तरफ भीड़ लगी है तो क्या चीज़ है वहाँ पे, इतनी भीड़ लगी है, वाह। तो गाइस यहाँ पर यहाँ पर जनरल सामान है, जैसे कि चिप्स वेप जो अक्सर चोर बाजार में मिलता है सेल के भाव में, ये नियर टू एक्सपायर रहता है, उसको फटाफट खाना पड़ता है। देखो गाइस जैसे वो 50 रुपये की बिस्किट है आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलेंगी, इतना सारा सामान है गाइस यहाँ पे, ये सब नेक्स्ट टू एक्सपायरी होता है, मतलब एक्सपायरी होने कुछ दिन पहले इसको बेचा जाता है, फटाफट खा के इसको ख़त्म कर दो आप लोग। देखो गाइस इतना सारा सामान है, देखो देखो होलसेल में बहुत कुछ है, ये चाचा बेच रहे हैं, देखो नेक्स्ट टू एक्सपायरी एवरीथिंग देख लो गाइस जो भी है। तो ये सामान जो है गाइस नेक्स्ट टू एक्सपायरी रहता है, मतलब कुछ दिन बाद ये एक्सपायरी होने वाला रहता है, तो इसको कम भाव में बेच के जल्दी जल्दी सेल करते हैं, तो ये नियर टू एक्सपायरी आई थिंक है बोला जाता है। काफ़ी बड़े इसमें लगा हुआ है गाइस, कितने लोग ले रहे हैं देखो, पूरे बाज़ार की सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर ही है गाइस। हेलो भैया, पूरे बाज़ार की सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर ही है। तो ये सामान भी है, बाज़ार की सबसे ज़्यादा भीड़ यही है बोला, ये दुकान है तो बाज़ार है। मेरी जान नागपुर की पब्लिक, तो ऐसी ऐसी बात है भैया। तो और भी देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ें लगी है, आइए और लेके जाइए, कम मात्रा में कम दाम में लेके जाइए, आइए और लेके जाइए। तो गाइस देखो सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट जैसे टंकी वंकी पल्सर की रखी हुई है, KTM के ये रखे हुए हैं, टंकी के तरफ के बहुत सारी चीज़ इनका रखे हुए हैं, साइलेंसर वाइलेंसर भी इनके पास रखा हुआ है, सी ये देखो गाइस साइलेंसर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास है। और आज अतिक्रमण होने की वजह से थोड़ा कम बाज़ार लगा है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ लगा है। तो भैया से पूछते हैं इनकी टी शर्ट, भैया टी शर्ट कितने की अपनी, टी शर्ट कितने की वाली, 150 रुपये, वाह दिखाओ, ये सब ब्रांडेड माल मिलता है ओरिजिनल, बे पकड़ छोटे पकड़े, ब्रांडेड टी शर्ट है ब्रो 150 रुपये में भाई, ये देखो ब्रांडेड टी शर्ट है, ये कौन सी कंपनी की ये तो मुझे नहीं पता, बट ये ब्रांडेड है पकड़ने से पता चल रहा है, और ये मात्र 150 रुपये की है गाइस, और ये है क्रॉप अप की है, ठीक है ब्रांडेड है अंकल, ये तो ब्रांडेड है सब, दिखाओ दो तीन और देखो, बहुत अच्छे अच्छे पीसेस हैं, ये सब ब्रांडेड है गाइस ओनली 150 रुपये में, वाह यार। ये देखो गाइस ये सेलबर्ग की एक्सल टी शर्ट, वाओ वो माय गॉड, ये तो न्यू है गाइस ब्रांड न्यू, जस्ट लुक एट दिस टी शर्ट यार, वाओ मतलब सेकेंड हैंड ये आई थिंक ये, बट बोल नहीं सकते आप क्योंकि सेकेंड हैंड है नहीं,
बट ये 150 में मिल रहा है, प्रॉपर की है गाइस, ये ब्रांडेड है, रियल ब्रांडेड, ठीक है। और कॉलर वाली टी शर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, ये तो पता नहीं गाइस कौन से ब्रांड की है। ओ माय गॉड, ये वाली देखो गाइस, ये वाली कॉलर टी शर्ट 150 रुपये की, ब्रांडेड, मतलब नेक्स्ट टू इम्प्रेसिव चीज़ है गाइस, बहुत बढ़िया अंकल, वेरी नाइस, 150 रुपये में ब्रांडेड टी शर्ट, देखो गाइस पूरा बंडल लगा हुआ है, मतलब अब तक बाजार में तो दिखा सबसे ये चीज़।